नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। पीएम मोदी के मिशन अयोध्या की बात सबसे पहले कर लें। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जिससे अयोध्या का कायाकल्प होने वाला है। आज अयोध्या के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की। प्रधानमंत्री ने अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देखा। बीस हजार करोड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट, भव्य और दिव्य रामनगरी की तैयारी। ऐसी अयोध्या जो प्रभु राम के त्रेता युग का एहसास करवाएगी। ऐसा मास्टर प्लान जिसके जरिए अयोध्या की गिनती दुनिया के बेहतरीन शहरों में होगी। धर्म और विकास का यहां संगम होगा। यही मकसद है, यही विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसी मकसद से पीएम मोदी ने आज वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री साथी और हमारे माननीय मंत्रीगण और सब अधिकारीगण, सबके साथ जो आज की बैठक में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है वह अभूतपूर्व है। अयोध्या नाथ भगवान श्री राम ला की जन्मभूमि और वहाँ पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है, और उस भव्य मंदिर के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए उस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अयोध्या के पौराणिक स्वरूप को निखारने के साथ ही आधुनिकता और संसाधनों से जोड़ने के मकसद से योगी सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। पीएम मोदी ने बैठक में इसे परखा और विजन डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देखा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि जिस तरह भगवान राम में लोगों को एक साथ लाने की क्षमता थी, अयोध्या के विकास कार्यों को स्वस्थ जन भागीदारी की भावना के जरिए आगे ले जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि 10-15 साल का नहीं, अयोध्या के विकास का जो खाका तैयार किया गया है वो अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। हालांकि अभी 30 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाए जाने का प्रस्ताव है। किस तरह अयोध्या के विकास को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है उसे ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। को बताने जा रहे हैं क्योंकि इस प्लान को यहाँ पर समझ लेना बेहद जरूरी है। तो पीएम मोदी का मिशन अयोध्या प्लान इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं। मल्टीनेशनल पार्क 237 करोड़ रुपए, ये राम मंदिर का पूरा वो मास्टर प्लान है आपके सामने। मंदिर जाने के रास्ते के लिए देखिए 363 करोड़, ये पूरा जो रूप है, जो विजन है वो इस वक्त आपके सामने है। पंचकोसी परिक्रमा पथ का जिक्र करें तो 289 करोड़ रुपए का ये पूरा प्लान यहाँ पर प्रावधान के तौर पर सामने आया हुआ है। और पर्यटन केंद्र का जिक्र करें जिसे सबसे ज्यादा एक अहम किरदार के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है तो 275 करोड़ रुपए तक का ये पूरा मास्टर प्लान के अंदर शामिल है। और साथ ही अयोध्या रिंग रोड जो कि 2588 करोड़ रुपए के तहत यहाँ पर तय किया गया है। तो ये राम मंदिर का मास्टर प्लान है जिसमें सरयू रिवर बैंक के लिए 2000 करोड़ रुपए का पूरा प्रावधान यहाँ पर तय किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 5000 करोड़, क्योंकि ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मंदिर निर्माण पर अपनी नजरें यहां पर हर किसी की टिकी हुई है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 5000 करोड़ रुपए का यह पूरा प्रावधान। ग्रीन फील्ड सिटी का जिक्र कर लेना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि यह मास्टर प्लान का सबसे अहम हिस्सा हो जाता है। 10,000 करोड़ यहां पर प्रावधान इसका तय हुआ है। वही मल्टीनेशनल पार्क जैसा कि हमने आपको बताया 237 करोड़। तो ये राम मंदिर का पूरा मास्टर प्लान इस वक्त आपके सामने है जो आप देख रहे हैं। खबरों के मुताबिक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए 5000 से अधिक लोगों की राय ली गई है। इसमें धर्म, आध्यात्म, पर्यटन, अयोध्या से जुड़े मंदिरों, मठों के संत, प्रशासक सहित समाज के विभिन्न वर्ग से जुड़े लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में अब इस विजन को जमीन पर लागू करने की तैयारी हो चुकी है। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।